मेरे ख्याल से तकरीबन 37-38 साल हो रहे इस गाने को, और मैं पहली बार राजा साहब से मिल रहा था, इलैयाराजा जी, जो भारतवर्ष के वन ऑफ द टॉप मोस्ट और हाईएस्ट टैलेंटेड संगीतकार, जिन्होंने मुझे खूबसूरत गाना दिया। जब पहली बार मैं मिला, सिंपल सा आदमी, छोटी कद, सफ़ेद कुर्ता और लुंगी सफ़ेद, और भस्म लगाया हुआ था, और ऊपर वाला साक्षी है, मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानता था, क्योंकि साउथ इंडियन फिल्म्स की तरफ म्यूजिकली मैं बेध्यान था। एक तो सबसे पहले लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, मगर संगीत तो सारे वर्ल्ड में वही है, सारे गवा पदा निशा सानी दबा मगर ऐसा, मगर होता है ना कि एक वर्ड समझ में आए म्यूजिक के साथ साथ, तो उस गाने का ज़्यादा मजा आता है। तो राजा साहब को मुझे, उत्तम सिंह जी हमारे संगीतकार हैं और केसी लॉर्ड, वो दोनों जने लेके आए थे कि इनके सदमा के दो गाने गाने हैं, नई फिल्म है, और पहली हिंदी फिल्म कर रहे थे राजा साहब। मगर इतना मज़ा आया, मुझे याद है ऐ जिंदगी जब गाना रिकॉर्ड हो रहा था, कोई 150-200 म्यूजिशंस थे, और उसके अलावा गाना सुनने के लिए हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े म्यूजिशंस, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स खाली गाना सुनने आए थे कि राजा साहब किस तरह काम करते हैं। आप सोचिए वो मंजर क्या होगा। वो बहुत बड़ा उत्सव था फिल्म सेंटर में, और मज़े की बात है कि पहले 2-3 साल, हालांकि ये गाना बहुत पॉपुलर है, ये मुझे मालूम ही नहीं था, ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि आप सबकी दुआओं से रोज कभी कभी 3-4 गाने गाया करता था मैं, इस स्टूडियो से वो स्टूडियो। जब एक प्रोग्राम में, शायद दिल्ली में था ये प्रोग्राम, और स्टेज पे मुझे कम से कम नहीं तो भी 50 चिट्ठियां आई थी कि ऐ जिंदगी गले लगा ले, गाना आप गा नहीं रहे हैं। तो मेरा ध्यान गया, ये तो राजा साहब का गाना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अनाउंस किया कि भाई लोग, ये गाना मुझे, वर्ड्स मेरे पास नहीं है, क्या कोई मुझे वर्ड्स दे सकता है, तो मैं एक दो गाने के गैप के बाद में ये गाना कोशिश करता हूँ गाने की। आप सोच नहीं सकते, 7वें या 8वें मिनट में एक खूबसूरत सी लड़की गाना लिख के लेके आई, तो और ज्यादा अच्छा लगा। और फिर मैं अंदर गया, गाना 2-3 बार सुना मैंने, और फिर मैंने आके वो गाना गाया, और मुझे 3 बार गाना गाना पड़ा। तो आप सोचिए उस गाने की क्या पॉपुलैरिटी हो सकती है। और उस गाने को अभी लेटेस्ट भी गाया गया है, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे बच्चे ने ही गाया है, मेरे बेटे जैसा है अरिजीत सिंह। और जब श्रीदेवी जी इस दुनिया में नहीं रही, तो कम से कम जब जब भी उनका YouTube पे या कोई खबरों में आता था, तो पीछे ये गाना बजता था। तो ये गाने की, ये किस्सा है इस गाने का। एक किस्सा सुरेश जी ने ही मुझे बताया, आपको बड़ा मजा आएगा उसको सुन के, बातचीत निकली है तो।
जब इलैयाराजा साहब आए और साहब ने देखा तो एक एक ईश्वर स्वरूप एक वो व्यक्तित्व हैं, और एक ईश्वर जब दूसरे ईश्वर से मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे की चीजें से वो होती हैं। उस टीम में एक 14 या 15 साल का बच्चा था, वो कीबोर्ड बजाता था, बहुत बढ़िया कीबोर्ड बजाता था, इतना बढ़िया कीबोर्ड बजाता था, उसका नाम था दिलीप, 12 या 13 साल का। आप सोचिए दिलीप नाम था उसका, जो बाद में पता चला। आप सोचिए उसका क्या नाम था, वो AR रहमान साहब। आप सोचिए कि मतलब ये ऐसे कुछ, बस इसी तरह के कुछ किस्से कहानियां, अनकही कहानियां हमारे इस प्रोग्राम में आएंगी। यही इसका थीम है, यही है कि आप लोग सब एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, जिस प्रकार आप भी समझते हैं कि हमारी लाइफ में कितनी परेशानियां हैं, लेकिन कुछ छोटी सी खुशियां हमारी उन सब परेशानियों को दूर कर देती है। वही है ये जिंदगी गले लगा ले विद सुरेश वाडकर साहब। और ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे कि इस प्रोग्राम में जितना सुरेश वाडकर साहब ने जान डाली है, मैं इतना बता सकता हूँ कि आप सबकी जिंदगी, आपकी जिंदगी आपको गले जरूर लगा। और बहुत खट्टे मीठे हमारे जो अनुभव है, किस्से है, वो इस प्रोग्राम में आने वाले हैं, जो हो सकता है आप लोगों ने नहीं सुने हो। तो खट्टे और मीठे, तो आप जान सकते हैं खट्टे में कितनी खटास होगी और मीठे में कितनी मिठास होगी। 2 से 3 पेज लिखे जा सकेंगे आराम से खट्टे में आप लोगों के लिए। तो मैं बहुत आभारी हूँ कुमार भाई का, और नाम भी इनके प्रोडक्शन का स्टूडियो रिफ्यूल, तो रिफ्यूल तो रोज ही करना पड़ता है, वो फिर स्कूटर हो या आपकी रोल्स रॉयस हो, पेट्रोल तो वही पड़ता है, तो मज़ा तो पेट्रोल का ही आने वाला है। और मैं चाहता हूँ, ये मैं पहली बार जिंदगी में इस तरह का कोई शो प्रोग्राम रेडियो के लिए कर रहा हूँ सबसे पहले, फिर साइमल्टेनियसली हम लोग इसके शोज भी प्लान कर रहे हैं। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है, ऐसे मेरे दोस्त हैं जो सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुझे भरपूर बालों में देखा हुआ है, आज भी मेरे सिर में भरपूर बाल हैं, मगर वो बाल ही है। तो बहुत सारे लोग हैं, ये इनके पापा औरंगाबाद खर्जी हैं, हमारे मुंडे साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमारा काम गया वन हिमांशु उधर बैठा हुआ, सब बाल गोपाल हैं। और मैं जो जब बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं तो मैं बहुत अच्छा जुमला यूज करता हूँ कि आज हम सब पुराने पापी इकट्ठे हो गए, जो है तो कभी ना खत्म होने वाला फ्यूल है, जो सुर का फ्यूल होता है ना, ये उसको स्टार्टर भी नहीं लगाना पड़ता है, अपने आप चल पड़ता है। तो ये क्योंकि अध्यात्म के साथ गाना बजाना जुड़ा हुआ है, तो वो तो आपको ऊपर वाले के साथ जोड़ ही देता है। तो भी सेलिब्रेट और बर्थडे, तो इसके और तो ये कोइंसिडेंस के बारे में कुछ बताइए कि ये बर्थडे का बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत कोइंसिडेंस हुआ है। सडनली कुमार जी और रमन भाई आए मेरे पास, सुरेश जी हम लोग ऐसा ऐसा, तो 2 सेकंड के लिए मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और रेडियो के लिए मैंने कभी फौजी भाइयों के लिए गया था या कोई इंटरव्यू हो उसके लिए गया था, मगर ये प्रोग्राम जो होगा कि मैं अपने खट्टे मिट्टे किस्से गानों के साथ मैं लोगों को सुनाऊंगा, और ऐसे गाने हैं जो
लोगों ने सुने होते हैं, बहुत बाज वक्त ऐसी चीजें होती है कि मैं कहीं जाता हूँ और समझ लीजिए इंडिया में भी या इंडिया के बाहर कोई गाना गाता हूँ तो सडनली लोग एक दूसरे को देखते हैं, अच्छा ये इन्होंने गाया हुआ है। तो ये कब पॉसिबल होता है? जब आपके गाने रेडियो में बहुत ज़्यादा बजे जाते हैं, बहुत अच्छा गाने वाला लड़का है और मुझे अगर पूछें तो बहुत तैयार सिंगर है वो, तो क्लासिकल भी ऐसा गाता है कि आदमी हैरान हो जाए। तो और हमारे बेटों जैसा है, पद्मा को तो अभी भी वो मॉम ही बोलता है क्योंकि उसके फेम गुरुकुल में ये उसकी मेंटर थी। क्या बात है, क्या सबसे ज्यादा दुख लगा जिस दिन उसको इन्होंने निकाल दिया पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे। पद्मा इतना रोई थी आपके घर में, तो मुझे रोज कहती थी कि सुरेश जी आप उस लड़के को सुने आप, क्योंकि वो सही में म्यूजिकल दुनिया में अपने आप में ही मस्त रहता था। वो बाकी के बच्चे हो सकता है मस्ती कर रहे हुए उधर, ये एक कोना पकड़ के सुरमंडल लेके गाने का रियाज करते बैठता था। जब उसका मैंने गाना सुना ऐ जिंदगी, बहुत खूबसूरत लगा। उसने अपनी आवाज में एक बहुत खूबसूरत उसका गुलाब बनाया था उसने, जो हमको बहुत अच्छा लगा। भगवान उसकी हमेशा रक्षा करें और भरपूर गाते रहे, ये हमारी ख्वाहिश है और उसका आशीर्वाद है। अच्छा, मेरे दो सवाल हैं। ये कौन सी रेडियो पे आएगा? विल इट बी नेशनली और इंटरनेशनली? इट विल बी नेशनल। मैं माफी चाहूंगा बीच में बोलना, रिवील अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कुछ चीजें पर्दे के पीछे रहें तो उनका आनंद कुछ और ही आता है। तो अभी ये एपिसोड्स अगले वीक से बनना शुरू होंगे, लगभग 200 एपिसोड हम लोग बना रहे हैं। ये प्रोग्राम दर्शकों के सामने या रेडियो पे जब भी है, ये मेरे ख्याल से आप ये मान के चलिए कि दिवाली का हम आप सबके लिए गिफ्ट होगा, बट किस चैनल पे आएगा ये शायद ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे उस टाइम पे। हमने खट्टी बातों को एडिट नहीं किया जाता है क्योंकि वो होती ही खट्टी है, तो कितना एडिट करेगा इंसान। आई प्रॉमिस कोई खट्टी बात एडिट नहीं होगी। खट्टी बात सुन के ही तो आपके मुंह में पानी छूटेगा ना, तो उसको तो पूरी बोलनी पड़ेगी। देखिए, मैंने जिनसे गाना सीखा है, मेरे गुरुजी पंडित जियालाल हुसैन, जब मैं उनके पास आया था तो मैं गिरन गांव से हूँ, आप समझते गिरन गांव नहीं गिरन गांव, अच्छा गा सकता है अगर मैं इसको गाना सीखवाऊं, मगर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मुझे गुरुजी के पास ला के उन्होंने छोड़ दिया कि पंडित जी आप इसको, मुझे ना इसको बैरिस्टर बनाना है ना डॉक्टर बनाना है, मगर मेरा बेटा एक अच्छा गाने वाला होना चाहिए, इसके लिए हम इसको इधर छोड़ देते हैं, हम लोग कभी आएंगे नहीं, पूछेंगे भी नहीं, बस आप इसको गाना सिखा दीजिए। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे मदर फादर ने ये मेरे लिए सोचा। तो उन्होंने कभी किसी से एक नया पैसा फीस नहीं ली, पहली बैच वो म्यूनिसिपल स्कूल से लाए थे। ऐसे ही मैं 8 या 9 साल का था तब उनके पास गया, फिर
जिसको सदगुरु मिल जाता है जिंदगी में, उसको सब कुछ मिल जाता है। तो मैं गुरु घर घर में रह के गाना सीखा, मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी की। तो गुरु जी के जाने के बाद मैंने सोचा कि कहाँ, कश्मीर से आए थे हम, बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा किया इन्होंने, तो ये जो उन्होंने पेड़ लगाया है इसको अभी सींचना बड़ा करना हमारा धर्म है। तो म्यूजिक स्कूल जो आजीवासन आप आते रहते हैं शायद, बिल्कुल उसका निर्माण हुआ। आज वहाँ 2,500 बच्चे गाना बजाना सीखते हैं। उसी में से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आप लोग सुन रहे हैं इन दिनों, स्वप्निल बांदोड़कर है, विजय प्रकाश है, राहुल वैद्य है, हमारा श्रेयस पुराणिक है, रविकांत त्रिपाठी है, और अभी आपने नया सुपरस्टार अथर्व बख्शी जो अभी अभी जीता है, वो मेरे आजीवासन का ही स्टूडेंट है। तो सोचिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि नई जनरेशन हम हमारे सुनने वालों के लिए इस दुनिया में लाए। तो ये हमारा बेसिक, हमारा आजीवासन बनाने का ये विचार था। और बहुत अच्छे से अब इस वक्त आजीवासन का बहुत नाम है सारी दुनिया में, म्यूजिक की दुनिया में, और अच्छे अच्छे बच्चे आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बच्चे तैयार हो रहे हैं। मैं सिखाता हूँ, पद्मा सिखाती है, मेरी बड़ी बहन सिखाती है, मेरी बड़ी बेटी भी सिखाती है, वो अथर्व बख्शी मेरी बड़ी बेटी का ही शागिर्द है, छोटा सा बच्चा है। तो ये हम, हमारा कर्तव्य है कि हमको मेरे सुनने वाले माई बाप ने जो दिया है वो मेरे स्टूडेंट्स को भी मिल जाए, मेरे बच्चों को भी मिल जाए। बुझाते नहीं।